हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं बिलाल और आप लोग देख रहे हैं कहने में फैक्ट चैनल। आज का वीडियो होने वाला है काफी इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज हम लोग बात करेंगे पोकेमोन के बेस्ट कैरेक्टर में से एक गो के बारे में। गो के बारे में आप सभी को पता होगा, तो आज मैं आपको गो की बैक स्टोरी बताने वाला हूँ कि गो को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, गो का गोल क्या है वगैरह वगैरह, और उसकी बाकी की सारी बैक स्टोरी। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, और सब्सक्राइब और लाइक शेयर कमेंट भी कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगी है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। सबसे पहले बात आती है हमारी बायोग्राफी की। तो गो की बायोग्राफी कुछ यहाँ से शुरू होती है कि गो एक बहुत ज्यादा अमीर घराने में पैदा हुआ था। तो गो के जो मॉम डैड थे वो एक कंपनी में काम कर चुके हैं जिसका नाम था गोगो सिस्टम। जब गो छोटा था तब से ही उसके पास कोई भी फ्रेंड्स नहीं थे चलोई के अलावा। सॉरी अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, तो चलोई मैं ही कहूँगा यार, सॉरी अगर गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ। उसके अलावा उसका कोई भी दोस्त नहीं था, तो गो को काफ़ी ज़्यादा अकेला रहना पड़ता था, और उसको काफ़ी डिफिकल्ट होता था उसके लिए लोगों को समझ पाना। तो एक फ्लैशबैक में गो बाहर गया था कुछ फ्रेंड्स बनाने के लिए, पर वो बहुत गुस्से में रिजेक्ट कर दिया गया। जब गो 6 साल का था, वो और चलोई एक मिथिकल पोकेमोन म्यू का सामना कर रहे थे एक फील्ड ट्रिप के दौरान। उस टाइम पे वो प्रोफेसर ओक के ग्रुप से भी बाहर हो गए थे, सेपरेट हो गए थे, और एक हिली रिवर साइड के पास में देखा एक सडन साइकिक फोर्स की वजह से कंगस खान गिरने ही वाला है, और वो मर भी सकता है, बहुत ऊंचाई से गिरने वाला है। तो गो ने उसको बचाया और सोच लिया कि अब वो मिस्टीरियस म्यू को पकड़ के ही रहेगा। इस हादसे के बाद जब उसको म्यू का सामना करना पड़ा, उसके पेरेंट्स उसको फैमिली ट्रिप अजीलिया टाउन में ले गए, जो कि जूडो रीजन के पास है। गो जंगलों में भाग गया जब उसके पेरेंट्स सो गए, बहुत ज़्यादा अपसेट। लेकिन उसके पेरेंट्स ने कुछ भी ऐसा नहीं किया था जिससे वो उसको बुरा लगे, पर फिर भी वो अपसेट था। और फिर जल्दी वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया जब उसने बहुत सारे पोकेमॉन्स देखे, तो उसको लगा कि क्या पता म्यू भी उसके आसपास ही हो। जब वो ये सब सोच रहा था तो एकदम उसने एक फ्लाइंग पोकेमोन को जाते हुए देखा, वो उसके पास भागा गया। ये श्योर था वो कि ये म्यू ही है, तो इसलिए वो उसके पीछे भागा। और जब वो थोड़ा क्लोज आए तो उसने उसको पकड़ने के लिए थोड़ा सा आगे गया और एक लड़के से जाके टकरा गया, और वो लड़का भी उसी को तलाश कर रहा था, उसी के पीछे भाग रहा था। वो दोनों एक दूसरे को छेड़ने लग गए कि तुम भी मिथिकल पोकेमोन के पीछे भाग रहे हो। ऐसे उन दोनों में थोड़ी बहुत दोस्ती होने लगी थी। तो गो को थोड़ा बहुत हो रहा था कि इसको अपना दोस्त बना लेना चाहिए कि नहीं बना लेना चाहिए। तो अल्टीमेटली गो ने उसको अपना दोस्त बना लिया, और उसने अपना नाम टोकियो बताया। उन दोनों ने कहा कि वो कभी भी अपने गोल्स रीच नहीं कर पाएंगे, पर फिर वो हंसे और कहा कि वो दोनों भी नॉर्मल पीपल की तरह ही रिएक्ट करेंगे, जैसे कि दूसरे लोग अपने नॉर्मल पीपल रिएक्ट करते हैं अपने गोल्स को लेके। तो जब गो उसको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था अपने पोकेमोन नॉलेज की वजह से, तब उसने कहा कि उसको सेलिबी को देखना है, उसने कभी सेलिबी पोकेमोन नहीं देखा है। तो गो ने सोचा कि क्यों ना हेल्प की जाए इसकी, और पूरा दिन सेलिबी को ढूंढा जाए। उसने और टोकियो और गो ने मिलके पूरा दिन में सेलिबी को ढूंढने की कोशिश की, दिन रात शाम दोपहर, पर उसको सेलिबी कहीं भी नहीं मिली दोनों को। वो दोनों उदास होके बैठे, लेकिन फिर उन दोनों को एक बहुत नरम घास दिखी, वो वहाँ जाके लेट गए और बातें करने लग गए कि आसमान कैसा है, रात हो गई ढूंढते ढूंढते, कि असल में यूनिवर्स कितना ज़्यादा खूबसूरत है। तो वो ऐसी बातें कर रहे थे, और फिर आपस में बात की कि वो कल वादा करते हैं कि वो कल आपस में मिलेंगे। तो वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं, पर अगले दिन जब वो गो मिलने आता है तो वहाँ पे वो नहीं खड़ा होती, टोकियो वहाँ नहीं खड़ी होती। गो काफ़ी देर इंतज़ार करता है पर टोकियो नहीं होती वहाँ। तो गो को होता है कि उसने टोकियो ने उसको धोखा दे दिया। उसको बहुत बुरा लगता है क्योंकि पहले उसके कोई भी दोस्त नहीं है, तो उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, और वो गुस्से में यही सोचता हुआ अपसेट होके जाता है। वो सोच रहा होता है कि मैं अकेला ही ठीक हूँ, मुझे कोई दोस्त की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सारे दोस्त एक ही होते हैं। तो ऐसे वो यही कहते हुए अपसेट होकर चला गया। तो इस तरह उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगा। ये तो थी गो की थोड़ी बहुत बायोग्राफी। अब बात करते हैं गो की जर्नी की। तो गाइस, वर्मिलियन सिटी में
गो जो है लेजेंडरी पोकेमोन लुगिया के पीछे भाग रहा था उसको फॉलो करते हुए। और जब वो उसके फॉलो कर रहा था तो क्लाइम करता है लुगिया की बॉडी पे जाके, मतलब बैठ जाता है जंप मार के, और तब उसको ऐश मिलता है। ये दोनों ही फ्रेंड्स बन जाते हैं। जब वो एक दूसरे को जानते हैं उनकी राइड के दौरान, जब वो लोग लुगिया के ऊपर होते हैं तो एक दूसरे के फ्रेंड बन जाते हैं। जब वो लोग आपस में बातचीत करते हैं, जब वो लोग सदीस लेबॉरेटरी में शाम को वापस गए तो गो और ऐश आपस में मिलते हैं चौली के साथ। सॉरी अगर गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ मैं, पहले मुझे पता है गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ कि कोई कमेंट में नहीं लिखेगा। अच्छा तो आगे से स्टोरी अपनी कंटिन्यू रखते हैं। ऐश और गो जब प्रोफेसर सदीस के पास जाते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं लुगिया के बारे में जो भी उनको मिली है, और वो दोनों उनके असिस्टेंट्स बन जाते हैं। तो ऐसे ही आगे चलता रहा, आज के लिए इतना ही। मैं बाकी ये बता सकता हूँ, पर इस तरह वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप लोग तो उतना देखोगे नहीं, तो इसका पार्ट टू ले आएंगे जब भी अगर इस वीडियो को अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। तो मैं आपको सब कुछ बता चुका हूँ, गो की बैक स्टोरी, गो को क्या क्या डिफिकल्टीज हुई और वगैरह वगैरह, उसकी सारी चीज़ें। तो नेक्स्ट पार्ट अगर इसको अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है आपके लाइक्स वगैरह के थ्रू और सबसे पहले तो व्यूज़, तो अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।